एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक वैसी ही क्विक और हेल्दी रेसिपी बताने वाली हूँ जिसे आप ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं या लंच में भी या डिनर में भी। ये किसी भी टाइम के लिए बहुत एडिक्वेट रेसिपी है। तो आज जो मैं बना रही हूँ वो है मशरूम की सूखी सब्जी, साथ में बनेगी रोटी। बट कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। रोटी जो बनेगी वो आटे की नहीं, वो बनेगी ज्वार के आटे की रोटी। और साथ में जो मशरूम की सब्जी बनेगी उसमें आप देख ही सकते हैं कितने मिनिमम अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगा और ना के बराबर मसालों के साथ, ताकि आप इसे हेल्दी वर्जन में आप इसे एंजॉय कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, अभी इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। मैंने इतना सा ही तेल डाला है इसमें। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, मैं इसमें सिर्फ ये जीरा डालूंगी और कुछ भी नहीं। मैंने जीरा डाल दिया है। अब इसमें जो है मैं डालूंगी, ये है मेरे पास 3 से 4 क्लोव्स आपके जो गार्लिक के, मैंने कूट के रखा है इसको। इसको थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें प्याज। ये 2 मीडियम साइज के प्याज हैं जिसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। इसको थोड़ा हल्का फ्राई होने देंगे। प्याज हल्का ब्राउन हुआ है, इसी बीच में मैं ये एक टमाटर है, बड़ा टमाटर कटा हुआ बीज निकाल के मैं भी इसको इसमें डाल दूंगी और इसको इसके साथ मिक्स कर लेंगे। इसी दौरान मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी और हल्दी भी इसी टाइम पे मैं डालूंगी। ये मेरे पास पिंक सॉल्ट है, आप चाहे तो नॉर्मल सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार हम डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे फ्राई हो चुके हैं, थोड़ा नरम भी हो गया है। अब इसी में मैं डालूंगी मेरे मशरूम। ये 300 ग्राम के करीब मशरूम है जिसे मैंने धो के कट कर लिया है, कुछ इस तरीके से इसे कट कर लिया है। अब इस टाइम पे मैं इसमें ये मशरूम डाल दूंगी। अब हम इसे पूरे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। और ये है मेरे पास धुले हुए फ्रोजन मटर्स जो मैं इसमें यूज करूंगी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने सब इंग्रेडिएंट्स अभी इसमें एक साथ डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हम, जब ये पूरा मिक्स हो जाए तब हम इसकी जो फ्लेम है एकदम लो कर देंगे। लो करके इसे ढक देंगे। हम इसे स्लो कुकिंग करेंगे ताकि हमें इसमें पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। अगर लास्ट में आपको ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है तो थोड़ा पानी डाल के हम इसको तब मैनेज करेंगे। बट फिलहाल इसे पकने के लिए अभी एकदम लो फ्लेम में इसे ढक के हम कुछ देर पकने देंगे। उसके बाद मैं फिर बैक आऊँगी और जब तक ये पकता है तब तक हम अपना आटा लगाएंगे, ज्वार का आटा। देखते हैं, इसमें ये जौ का आटा है, इसमें मैंने और कोई आटा मिक्स नहीं किया, ये है प्लेन जौ का आटा है। इसको हम गूंदेंगे गरम पानी से हम इसको गूंदेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार में ज़्यादा पानी मत डालना, क्योंकि जो ये इस टाइप का जो आटा होता है ना वो अच्छे से ना गूंदता नहीं है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। रोटी शायद आपकी पूरी गोल ना हो, थोड़ी टूट फूट भी सकती है, बट इसकी जो रोटी होती है वो बहुत हेल्दी है। अभी तो बहुत है, अभी बहुत लोग अभी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, आटा अवॉइड कर रहे हैं, उनके लिए ये आटा बहुत अच्छा है। आटा लग गया है। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत
प्लेन नहीं गूंदेगा, जैसा आपका आटा या मैदा गूंदता है ये बिल्कुल वैसा नहीं गूंदेगा, ये थोड़ा सा इसी टाइप का रहेगा। हम इसी में इसको रोटी बनाएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा आटा भी मिक्स कर सकते हैं, बट उसका रेशियो अगर आप मान लीजिए दो कप अगर आप जौ का आटा लेते हैं तो एक कप ही इसमें व्हीट फ्लोर लेंगे। मैंने इसमें फ़िलहाल कुछ यूज़ नहीं किया है, मैं पूरी जौ के आटे की ही रोटी बनाऊँगी। ठीक है, देखिए मशरूम अब अपना पानी खुद ही छोड़ रहा है, इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी अपने ही पानी में पकेगा। जब हम इसमें ज़्यादा पानी खुद से डालते हैं ना तो उसमें उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, बट अगर इसी का खुद के पानी में ये पकेगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम फिर से इसको ढक देंगे, तब तक ये और थोड़ा सा और नरम होगा और थोड़ा पानी और ड्राई होगा, तब तक इसे हम पकने देंगे। तब तक हम अपनी रोटियां बना लेते हैं। रोटी कुछ इस तरीके से बेली है, पूरा फटा हुआ है ये, बट अगर आप पूरे जौ के आटे की ही रोटी बनाएंगे तो ये ऐसा ही बनेगा, प्लेन नहीं बनेगा। अब इसे हम बहुत सावधानी से उठा के इसको हम तवे पे डालेंगे और उसको जैसे रोटी सिकती है बिल्कुल वैसे ही इसको सेकेंगे। अब हम बिल्कुल इसको वैसे ही सेकेंगे जैसे रोटी सिकती है। देखिए मशरूम ने अपना पानी छोड़ा, ये अभी भी लो फ्लेम पे ही पक रहा है। अब हम इसमें डालेंगे लास्ट में एक इंग्रेडिएंट जो कि मैंने आपको शुरुआत में नहीं बताया था, वो है जीरा पाउडर। और ये जो जीरा पाउडर है ये भुना हुआ जीरा पाउडर है जो मैं घर पे खुद बनाती हूँ, ये है भुना हुआ जीरा पाउडर, इसको हम इसमें डालेंगे लास्ट में बस, और इसको थोड़ा सा मिक्स करके अब हम इसे गैस को थोड़ा सा हाई फ्लेम करेंगे ताकि इसमें जो एक्सेस जो पानी है ना वो थोड़ा सूख जाए। इसमें देखिए इतना पानी है अभी भी, ये सूख जाए। थोड़ा मैंने फ्लेम हाई कर दिया है, देखिए मशरूम सब नरम हो चुका है, गल गया है। इसे थोड़ा सा पानी सुखा लेंगे, सुखाकर हम इसे गैस का फ्लेम जो है बंद कर देंगे। देखिए मशरूम ने अपना पानी छोड़ा, ये अभी भी लो फ्लेम पे ही पक रहा है। अब हम इसमें डालेंगे लास्ट में एक इंग्रेडिएंट जो कि मैंने आपको शुरुआत में नहीं बताया था, वो है जीरा पाउडर। और ये जो जीरा पाउडर है ये भुना हुआ जीरा पाउडर है जो मैं घर पे खुद बनाती हूँ, ये है भुना हुआ जीरा पाउडर, इसको हम इसमें डालेंगे लास्ट में बस, और इसको थोड़ा सा मिक्स करके अब हम इसे गैस को थोड़ा सा हाई फ्लेम करेंगे ताकि इसमें जो एक्सेस जो पानी है ना वो थोड़ा सूख जाए। इसमें देखिए इतना पानी है अभी भी, ये सूख जाए। थोड़ा मैंने फ्लेम हाई कर दिया है, देखिए मशरूम सब नरम हो चुका है, गल गया है। इसे थोड़ा सा पानी सुखा लेंगे, सुखाकर हम इसे गैस का फ्लेम जो है बंद कर देंगे। तो रेडी है ये सूखे मशरूम की सब्जी साथ में जौ की रोटी। अब आप इसे ब्रेकफास्ट में खाइए, लंच में खाइए, डिनर में खाइए। आपकी ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, ना आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, ना आपका गला जलेगा। बट आप ट्रस्ट मी, इतनी सिंपल सब्जी बनी है बिना मसालों की, बट टेस्ट इसमें कहीं भी कम नहीं है, बहुत टेस्टी है और बहुत हेल्दी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। टिल देन मैं फिर से मिलूंगी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही हेल्दी वर्जन का की रेसिपी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।